हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑथेंटिक लिट्टी चोखा की रेसिपी। ये रेसिपी मुझे बहुत प्यार से सिखाई गई थी एंड इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। इसके अंदर जो चार फ्लेवर होता है दैट इज़ समथिंग यू नो दैट वी वुड रियली फॉल फॉर। इसके अंदर काफ़ी छोटी छोटी सी इंग्रीडियंट्स हैं जिससे यू नो एक वो एनहैंसमेंट ऑफ फ्लेवर आ जाता है। इट इज़ वेरी सिंपल। आपको इसके लिए चाहिए थोड़ा सा धनिया, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा आलू। अब इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें होती हैं चार्ड, दैट इज़ टमाटर चार होगा, ऑनियन चार होगा, बैंगन चार होगा, चिलीज चार होंगी एंड सब कुछ। बस सिर्फ आपको आलू को बॉईल करना है। अगर आप उसको चार लेंगे तो उसके कंचे रहने का प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए आपको उसको चार करना है। अब आपको ताकि आपके मसाले जले नहीं एंड उनका पूरा फ्लेवर अच्छे से फैल जाए, इसीलिए आपको पहले एक बैंगन लेना है बड़ा वाला। उसके अंदर आप स्लिट करिए, उसके अंदर इंसीजन आप छोटा या बड़ा कितना भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, आपको जितनी स्टफिंग भरने का मन है। मैं कम ही करती हूँ बिकॉज आई लाइक टू यू नो कीप द होल वेरी सिंपल सो दैट उससे जितना भी पकने के टाइम पे वेपर है वो भी बाहर आ जाए एंड वो प्रॉपरली इन्फ्यूज भी हो जाए। जैसे अगर आप चाहें तो बड़ा भी स्लिट कर सकते हैं जैसे मैं दिखा रही हूँ। उसके अंदर आप आराम से अपने अदरक, मिर्ची एंड लहसुन को स्टफ़ कर दीजिए। अब जब वो पकेगा तो उसके अंदर जो भी ऑयल एंड सब रिलीज होगा वो पूरा का पूरा बैंगन ले लेगा। इससे ये होगा कि जो फ्लेवर है वो वुड बी एनहांस टू अ नेक्स्ट लेवल। दैट इज़ वन सिंपल ट्रिक। अगर आप बैंगन का भरता बना रहे हैं, लिट्टी चोखा बना रहे हैं, इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। अब आपको लेनी है रोटी वाली छन्नी। इसको रोटी वाली छन्नी पे हम बना रहे हैं बिकॉज अगर आप गैस पे बनाएंगे तो कितनी बार वो नीचे यू नो पानी लीक कर जाता है एंड वो प्रॉपरली चार नहीं हो पाता है बिकॉज वो स्ट्रक्चर लूज़ कर लेता है। सो इसीलिए ये दूसरा एक प्रो ट्रिप है, आप इसके लिए रोटी वाली छन्नी यूज़ करिएगा। उसको आप पकाना तेज़ गैस पे शुरू कर दीजिए। आप नीचे जाएँ तो एल्यूमिनियम फॉइल भी लगा सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर गैस स्टव। मूविंग फॉरवर्ड आपको इसी टाइम पे आपको अपने टोमेटो एंड ऑनियन भी एक के बाद एक भूजने हैं। अब हम साइड पे अपनी यू नो स्टफिंग रेडी करेंगे फॉर द चोखा, क्योंकि जो भी फ्लेवर आता है वो इसी से आता है। अब इसके अंदर आपको डालना है अदरक, लहसुन, धनिया, नींबू एंड मिर्ची। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के आपको ब्लेंड कर देना है, फिर हम इसे गैस पे पकाएंगे एंड फिर बाकी का हम आगे करेंगे। अब देखिए साइड बाय साइड आपने साइमल्टेनियसली चोखे के लिए टमाटर पूरे प्रॉपरली चार हो गए, बैंगन अभी तक हुआ नहीं है आप देख सकते हैं। उसका जब तक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लूज नहीं होता है तब तक आपको बैंगन को पकाना है। आप वन नाइफ टेस्ट भी कर सकते हैं जिससे कि वो प्रॉपरली क्लीन आना चाहिए एंड पूरा स्ट्रक्चर गायब हो जाना चाहिए। अब मेरे टमाटर हो चुके हैं। अब मैंने अपना ऑनियन करने रखा है सेम गैस पे। अब हम बनाएंगे लिट्टी। लिट्टी के लिए आपको बेसिक गेहूं का आटा लेना है, उसके अंदर अजवाइन डालनी है, नमक डालना है फॉर फ्लेवरिंग एंड आपको डालना है थोड़ा सा मोइन। मोइन से होता यह है कि स्किन से एक सॉफ्ट सॉफ्ट सा फ्लेवर और टेक्सचर आने लगता है, वो फॉलो करिए एंड आटा गूंथ के साइड में रख दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था बैंगन प्रॉपरली चार हो गए हैं, बहुत ही स्ट्रक्चर यू नो उसका वीक हो जाता है, इसीलिए आप उसे एक प्लेन सर्फेस पर निकाल के रख दीजिए। अब जैसे ही ठंडा होगा हम प्रॉपरली इसे गील करके मैश करेंगे। हमने आलू मैश कर लिए हैं, धनिया फॉर द फ्लेवरिंग। अब देखिए मैं आपको जो फर्स्ट लेयर होगा ना सबका, आलू का, बैंगन का और ऑनियन का, उसको आप निकाल दीजिए। आपको बैंगन को भी निकालना है। प्लीज़ आप अपने हाथ का ध्यान रखिएगा क्योंकि वो गर्म होता है एंड आपको उसको कट करके थोड़ा सा रिलीज़ करना है। देखिए जो हमने बैंगन के अंदर ऑनियन एंड गार्लिक एंड नींबू मिर्ची डाला था वो भी प्रॉपरली कुक हो गया है। अब इसे ठंडा करने के बाद हम आज इसे चॉपर से बनाएंगे। आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं मैश करके। प्रॉपरली उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बन जाती है बट आई लाइक इट टू बी यू नो वेरी फाइन, इसीलिए मैं इसे चॉपर में बनाती हूँ क्योंकि ये बहुत हैंडी भी होता है एंड प्रॉपरली बन जाता है। अब आपको इसके लिए आलू को मैश कर लेना है। हमने यहाँ पे दो बड़े आलू लिए हैं मैश करके। अब हम इसके अंदर डालेंगे अचार। आप कोई भी फ्लेवर का अचार यूज़ करते हैं, हम यूजुअली मैंगो यूज़ करते हैं। इससे जो इतनी प्यारी सी खटास आ जाती है एंड मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर आता है कि आपको एडिशनल कोई भी ऑयल नहीं डालना है, ना कोई खटास डालनी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी टमाटर से खटास दी है और अचार से खटास दी है। अब उसको ठंडा होने छोड़ देते हैं, तब तक हम बनाते हैं चोखे के अंदर की स्टफिंग। अब उसके लिए आप थोड़ा सा पैन में तेल गरम कर लीजिए, उसके अंदर डालिए हींग बिकॉज ये होती है थोड़ी हैवी रेसिपी, इसलिए हींग इज़ अ मस्ट। फिर आप डालिए थोड़ा सा जीरा फॉर फ्लेवरिंग एंड अभी हमने जो धनिया अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था उसको प्रॉपरली कुक करिए। अब जैसे ही ये कुक हो जाएगा आपको इसके अंदर डालना है सत्तू का आटा। सत्तू का आटा होता ये है कि जो चना होता है भूजा हुआ उसको जब आप चोर कर लेते हैं मिक्सर में तो वो सत्तू का आटा हो जाता है। आपको वो डालना है सिर्फ 2-3 to 5 टेबलस्पून एंड आपका चोखा का पूरा का पूरा स्टफिंग रेडी हो जाएगा। आप इसे पूरा का पूरा रिड्यूस होने दीजिए एंड जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा तब आपको डालना है इसमें सत्तू का आटा। आपको सत्तू का आटा किसी भी रिटेल स्टोर में मिल जाएगा, सुपरमार्केट में ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप घर पे चाहे तो भी बना सकते हैं दलिया से, उसे बस मिक्सर में चर कर लीजिए एंड आपका सत्तू का आटा रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा था ना जब तक आपको इसके अंदर तेल नहीं निकल जाए तब तक आपको इसे मिक्स करना है एंड आपको इतने जिससे आप जितना प्रॉपरली कुक यू नो कुक करेंगे उतना ही पूरे के पूरे
फ्लेवर अच्छे से अदरक लहसुन का कुक होके लिट्टी चोखा में फैलेगा। तेल आपको बिल्कुल भी कम यूज़ करना है। ये रेसिपी में यूजुअली तेल बिल्कुल ना के बराबर ही यूज़ करते हैं। ऊपर गार्निशिंग के लिए आप थोड़ा सा घी यूज़ कर सकते हैं, बाकी आपको तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने डाल दिया है यहाँ पे सत्तू का आटा। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 टेबल स्पून डाला है, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं सिर्फ 10 लिट्टी चोखा बना रहे हैं आज। इसे आपको प्रॉपरली कुक करना शुरू करना है। अब आपको इस टाइम पे गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम से लो रखना है, बिकॉज ये धीरे धीरे आटा पकेगा। अब जब ये कुक होता है ना, तो एक बहुत प्यारी सी घर में खुशबू फैल जाती है। तो आपको वो याद रखना है कि आटा को जलने ना दीजिए, प्रॉपरली मिक्स करिए एंड इसे अच्छे से कुक करिए। ये बिल्कुल एक डो जैसा हो जाएगा। अगर आपको लड्डू खाना पसंद है या लड्डू आपने कभी बनाए हैं, तो बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी हो जाएगा। आप इसे ठंडा कर लीजिए एंड देन आपने जो आटे की लोई रेडी करी थी, उसमें से छोटे छोटे पार्टीशन करा लीजिए, जिसमें से आप जितने पार्टीशन की आप पूरियां बनाते हो उतने पार्टीशन की अब आप उसको स्प्रेड करना शुरू करिए। स्प्रेड करने के लिए आप बहुत ही सिंपल तरीका है, हाथ से कर सकते हैं या तो बेलन पे भी बेल सकते हैं। मैं हाथ से प्रेफर करती हूँ। अब जैसे ही आपको डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी फैल जाएगी, देन आपको लेनी है अपनी थोड़ी सी स्टफिंग, उसके अंदर भरना है। आपको साइड्स हमेशा पतले करने हैं, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जब वो बंद होंगे ना, तो वो बिल्कुल एक साथ हो जाएंगे। इसलिए साइड्स को बिल्कुल पतला रखिएगा एंड बीच को भी बिल्कुल मॉडरेटली थिक रखिएगा। देन अपनी स्टफिंग भर लीजिए एंड ऐसे आप बंद करिए, जैसे आप कचौरी बंद करते हैं या मोमो बंद करते हैं, वैसे ही बिल्कुल बंद करिए, सेंटर में लाइए एंड पिंच कर दीजिए। देन गिव इट अ गुड मिक्स एंड उसको पूरा का पूरा राउंड कर लीजिए। अब आपको सारे के सारे चोखे एक ही बार में रेडी करके रख लेने हैं, क्योंकि फिर हम इसे करेंगे 4 गैस पे। देखिए कितना प्यारा सा गोल सा स्ट्रक्चर आया है। अब आपको सेम रोटी वाली छन्नी लेनी है एंड उसके ऊपर बिना कोई घी या कुछ भी लगाए इसको मीडियम गैस पे इस बार चार करने लगता है। जब हमने बैंगन करी तब हमने हाई गैस रखा था, अब हम रखेंगे मीडियम से लो गैस, क्योंकि इसे धीरे धीरे कुक करना है। अंदर की हमारी स्टफिंग पक गई है, पर हमें जो बाहर की हमने जो लेयर बनाई है उसको प्रॉपरली कुक करना है। इसलिए इसको थोड़े थोड़े टाइम में रोटेट करते रहिए एंड प्रॉपरली कुक करते रहिए। इसको हार्डली 5 मिनट्स लगता है, सो इसीलिए आज को आराम से पेशेंटली कुक करिए। अगर आप इसमें तेल वेल नहीं डालेंगे तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीस्ट रेसिपी। एंड इसमें जो ये चार वाला फ्लेवर आता है ना, ये मेरा बेस्ट पार्ट होता है। एंड व्हेन इट इज़ कम्बाइंड विद लिट्टी चोखा एंड चटनी, इट इज़ अ रेसिपी दैट यू वुड क्रेव ऑन अ विंटर डे। इजीली शायद ये रेसिपी को सबसे ज़्यादा लोग ठंड में खाते हैं। देखिए अब हमारी लिट्टी रेडी हो चुकी है, अब हम चोखे की फाइनल असेंबली शुरू करेंगे। इसके लिए हमने अपने बैंगन को सबको काट के रख दिया था, उसको आप चॉपर में डाल दीजिए, आपके पास कोई भी चॉपर हो उसमें डाल दीजिए, हाथ से मैश कर लीजिए। देखिए मैंने धनिया को भी फाइनली चॉप करके रखा है, बिकॉज अगर अगर वो थोड़ा भी रह जाए तो वो प्रॉपर ही लगे बाइट में, इसीलिए मैंने उसको पहले से ही कट कर लिया था। आपको डालना है अचार, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आप कोई भी पिकल यूज़ कर सकते हैं, घर का बाहर का, मीठा मत यूज़ करिएगा, तीखा यूज़ करिएगा। एंड अब इसे करना है चॉप, इसके लिए आप खाली डाल दीजिए नमक, बाकी इसमें और कोई स्पाइस नहीं डालना है। अब आपको जिसमें असेंबल करना है उस बोल में इसको निकाल लीजिए। मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल कर लिया है, उसको मैश करके रखा था। अब इसके अंदर जो हमने चॉपर में अभी अपनी मिक्सचर को रेडी किया है उसको ऐड करेंगे। देखिए आपको इसमें कुछ भी एडिशनल सॉल्ट या कुछ नहीं डालना, क्योंकि हमने ऑलरेडी बैंगन के टाइम पे ही सब डाल दिया था। अगर आपको कुछ भी ऊपर नीचे एडजस्ट करना है तो अब आप टेस्ट करके उसको एडजस्ट करेंगे। अब देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है, इसके अंदर बहुत क्रीमी सा फ्लेवर एंड टेक्स्चर होता है एंड द चार फ्लेवर इज रियली गुड। आप इसको ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा आपकी इसकी रेसिपी कैसी बनी। अब आएगा द असेंबली टाइम, अब आपको गरम गरम सी अपनी लिट्टी लेनी है, उसको ब्रेक कर लेना है। इसकी जितनी भी प्यारी सी मज़े होती है ना, ये अंदर उसकी स्टफिंग में होती है जब भी गरम गरम सी होती है। इसके ऊपर आपको पोर करना है घी अगर आपको चाहिए तो, हम अवॉइड कर रहे हैं। एंड आपको पोर करना है चटनी, हरी चटनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वन ऑफ द बाइंडिंग एजेंट्स, वो पेयर करिए। थोड़ा सा स्लाइस ऑनियन ले लीजिए एंड आप भर भर के डालिए चोखा, बिकॉज इसका सारा मज़ा जब लिट्टी के साथ वो स्टफिंग लेके चटनी लेके चोखा खाने में आता है ना, आप खुद कहेंगे वाह वाह। एंड डू ट्राई दिस रेसिपी एंड डू टेल मी हाउ इट टर्न आउट फॉर यू। फॉलो फॉर मोर।